फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वैदिक पंचगव्य। दोस्तों, हमारे चैनल में हम आपको पंचगव्य चिकित्सा और हेल्थ के टिप्स के बारे में बताते रहते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दिनचर्या के आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक सफ़ेद जहर के बारे में, जो हमें हमारे किचन से निकाल के बाहर फेंक देना है। वो जहर है जर्सी का सफ़ेद दूध। जी हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका मुख्य अन्न होता है उसकी माँ का दूध। तो उस वक्त उस बच्चे के लिए माँ के दूध के समान पवित्र और उपयुक्त और कोई भी चीज़ नहीं होती है कि नहीं? पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसके खाने में अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस करना शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे बच्चे को क्या देते हैं, गाय के माँ के दूध के बाद हम हमारे बच्चे के लिए क्या उपयुक्त समझते हैं, तो वो है गाय का दूध। तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, पैकेट में गाय का दूध मिलता है, वो लेके आते हैं, गर्म करते हैं और हमारे बच्चे को दे देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, पैकेजिंग में जो गाय का दूध आपको, गाय के दूध के नाम पे जो दूध आपको मिलता है, वो सच में गाय का दूध है या नहीं, वो सच में आपके बच्चे के लिए उपयोगी है या नहीं? दोस्तों, हम हमारे बच्चे के लिए कोई भी चीज़ जब लेते हैं, जब भी उसके ऊपर प्रयोग करते हैं, तो कितनी सावधानी बरतते हैं। आप साबुन का ही ले लीजिए, आप अगर साबुन भी लेते हैं तो आप अपने बच्चे के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साबुन का रैपर भले ही बाहर से कितना ही अच्छा क्यों ना हो दिखने में, पर अंदर उसमें जो कंटेंट्स है, जो केमिकल्स है, वो बच्चे की स्किन के लिए हार्मफुल है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम हमारे बच्चे के लिए बेसन का आटा या फिर मसूर दाल का आटा, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको नहलाने के लिए, क्योंकि हमें पता है ये नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है, इससे बच्चे को कुछ हार्म नहीं होने वाला है कि नहीं? तो आप ही सोचिए, अगर बाहर से इस्तेमाल करने वाली चीज़ के लिए अगर हम इतना ख्याल रखते हैं तो बच्चे के पेट में जो जा रहा है, बच्चों को जो दूध हम बाहर का पिला रहे हैं वो यूज़फुल है या नहीं, वो कितना हार्मफुल है या फिर यूज़फुल है, ये अभी कभी हमने जान के देखा है? कभी नहीं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ कि आप मार्केट में जो पैकेजिंग में या फिर थैली में जो गाय का दूध मिलता है वो अगर आप अपने बच्चे को पिला रहे हैं तो वो दूध नहीं जहर पिला रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? और ये बात बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। दोस्तों, दूध के दो प्रकार होते हैं, A1 मिल्क और A2 मिल्क। A1 मिल्क होता है जो जर्सी का दूध होता है उसे कहते हैं A1 मिल्क, और जो हमारे देसी गाय का जो दूध होता है उसे कहते हैं A2 मिल्क। दोस्तों, दुनिया भर में A1 और A2 मिल्क में जो डिफरेंसेस है वो स्पॉट किए जा रहे हैं। आप भी चाहो तो आप भी नेट पर जाके सर्च कीजिए कि A1 मिल्क और A2 मिल्क में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, दोनों के यूज़ क्या है, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, आप पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि जर्सी जो है वो कोई गाय है ही नहीं। अगर आपने भी गाय समझ के जर्सी को पाला है तो वो गाय है ही नहीं। ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जर्सी एक क्रॉसब्रीड एनिमल है दोस्तों, ये जो यूरोपियन कंट्रीज में ईजाद किया गया था मेनली टू गेट गुड क्वांटिटी ऑफ मीट। जी हाँ, बिल्कुल सच सुना आपने। वहाँ के जो लोग थे वो पहले सुअर का मांस खाया करते थे, और सुअर क्योंकि आकार में बहुत छोटा होता है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मांस नहीं मिल पाता था। तो उन्होंने क्या किया, सुअर को एक गाय सदृश एक एनिमल के साथ क्रॉसब्रीड कर दिया। ठीक है, तो क्रॉसब्रीड होने के बाद जो प्रजाति पैदा हुई वो आगे जाके जर्सी कहलाई। तो जर्सी से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मांस खाने को मिलने लग गया। कुछ सालों बाद उन्हें पता चला कि ये तो अच्छा दूध भी देती है, फिर उन्होंने उसका दूध पीना शुरू कर दिया, और यही जर्सी बाद में इंडिया में भी आई। और आजकल हम जो दूध पीते हैं, मार्केट में जो दूध मिलता है वो भी जर्सी का ही दूध होता है दोस्तों। तो जर्सी बेसिकली गाय है ही नहीं, हम लोग जो दूध पीते हैं गाय के दूध के नाम पर वो गाय का दूध है ही नहीं दोस्तों। तो कुछ सालों बाद वहाँ पे उनको ये पता चला कि ये जो दूध है वो A1 मिल्क है, जो पीने के बाद बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ रही है। कैल्शियम तो बढ़ नहीं रहा, इम्यूनिटी पावर तो बढ़ नहीं रही, पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रही है। तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे आप यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो A1 मिल्क जो है वो बैन कर दिया गया है, कंपल्सरी भी कर दिया है कि दूध के पैकेट पे ये लिखा होना चाहिए कि ये A1 मिल्क है या A2 मिल्क है, वो ये मेंशन करना भी कंपल्सरी कर दिया है। डेनमार्क में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे तो A1 मिल्क बैन ही कर दिया है। वहाँ के लोग जर्सी का दूध गटर में डाल देंगे, मतलब फेंक देंगे, पर उसका सेवन नहीं करेंगे। वही हम लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, हमारी इंडियन देसी गाय होने के बावजूद भी हम जर्सी का दूध पी रहे हैं, और जर्सी का दूध पीने की वजह से ही आजकल बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है दोस्तों। मैं आपको बताती हूँ कि जर्सी के दूध में और हमारे देसी गाय के दूध में क्या फ़र्क है। दोस्तों, दूध में बेसिकली प्रोटीन पाया जाता है, तो जर्सी के दूध में यानी कि A1 मिल्क में A1 प्रोटीन पाया जाता है, देसी गाय के दूध में यानी कि A2 मिल्क में A2 प्रोटीन पाया जाता है। ये जो प्रोटीन होता है वो डाइजेशन के दौरान ब्रेकडाउन होकर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है। ये जो डाइजेशन के दौरान क्या होता है, बहुत सारे पेप्टाइड्स होते हैं वो ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं और फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होते हैं। और यही आती है सबसे डेंजरस बात, क्योंकि A1 मिल्क में जो पेप्टाइड्स होते हैं
वो BCM7 को रिलीज करते हैं। BCM7 यानी बीटा क्रिप्टोमॉर्फिन 7, इस एलिमेंट को या फिर इस सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। और यही यही एक BCM7 है जो कहलाता है डेविल इन द मिल्क। आप नेट पे सर्च कर कीजिए, BCM7 इज कॉल्ड एज डेविल इन द मिल्क, बिकॉज ये जो BCM7 होता है यही हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम पे हार्म करता है, हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम पे वार करता है, उसे हार्म करता है। और इसीलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से होने वाले जितने भी रोग है वो होने की संभावना 99% तक बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो यही एक वजह है कि अगर बचपन से ही आपका बच्चा अगर जर्सी का दूध पी रहा है या फिर एवन मिल्क पी रहा है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से होने वाले बहुत सारी बीमारियां उसे जल्द से जल्द या फिर 99% तक कैप्चर करने वाली ही है। इसीलिए यही एक रीज़न है कि आजकल बच्चों में जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डायबिटीज़ जो पहले बड़ों में या फिर बूढ़ों में हुआ करता था, आजकल बच्चों में बहुत कॉमन तौर पर देखा गया है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छोटे बच्चों में होने वाले डायबिटीज़ की, टाइप 1 डायबिटीज़ की, ना कि टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़ इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप भी बहुत सालों से अपने बच्चों को जर्सी का दूध पिला रहे हैं गाय के दूध के नाम पर, अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चों को कैल्शियम मिलेगा, पर ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर आपका बच्चा कभी बीमार पड़ जाए और आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको अचानक से डॉक्टर बोल दे कि आपके बच्चे को तो भाई टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है और आगे आपसे आगे आपको उम्र भर उसको इंसुलिन इंसुलिन देना पड़ेगा या फिर उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है, आपको कैसा फील होगा दोस्तों? ये बात बोल के मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे द फैक्ट कि ये जर्सी गाय के दूध से ही होने वाला नुकसान है। आज मतलब बहुत सारे टाइप 1 डायबिटीज जो है 99% तक होने वाले टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में जो देखे गए हैं वो जर्सी के दूध से ही है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों में तो मतलब पैदा होते समय ही बच्चों में डायबिटीज आ चुका होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वो माँ गाय का दूध के सेवन करती है ये समझ के, जर्सी का दूध का सेवन करती है ये समझ के कि वो गाय का दूध है और मेरे बच्चे के लिए आगे जाके हेल्पफुल होगा, पर वो हेल्पफुल नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को जन्म जाते ही टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। तो अगर दोस्तों आप भी टाइप 1 डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से या फिर ऑटिज्म जैसी खतरनाक बीमारी से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो आप भी जर्सी के दूध का सेवन बंद कर दीजिए दोस्तों। देसी गाय के दूध का ही सेवन कीजिए, देसी गाय का दूध ही आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल है, अमृत समान है। देसी गाय के दूध से आपके बच्चे को ना सिर्फ कैल्शियम मिलेगा बल्कि उसकी इम्यूनिटी पावर भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब आता है कि जर्सी गाय और देसी गाय के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है दोस्तों जर्सी के और देसी के बीच में क्या फ़र्क होता है। देसी गाय जो होती है दोस्तों उसके पीठ पे हम्प होता है, उसकी पीठ ऐसे प्लेन नहीं होती, जबकि जर्सी गाय जो होती है उसकी पीठ प्लेन होती है। जर्सी गाय भी अलग अलग कलर में आ सकती है क्योंकि आजकल लोगों ने क्रॉस ब्रीड कर दिया है जर्सी को और देसी गाय को। तो अगर आपको देसी गाय की सही सही पहचान करनी होगी तो आप ये देखेंगे कि देसी गाय के पीठ पे हम्प है या नहीं। जिस भी गाय के पीठ पे हम्प है वो देसी गाय है। तो पैकेजिंग में मिलने वाले दूध पे भरोसा मत कीजिए, अपने दूध वाले पर भी भरोसा मत कीजिए। खुद जाइए और तसल्ली कीजिए कि आपके घर पे जो दूध आता है वो देसी गाय का है या नहीं दोस्तों। भले ही दूध ना पिए पर अगर पीना हो तो देसी गाय का ही पीजिए दोस्तों। मैं बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है और वो अपने अपने लाइफ में या फिर अपने बच्चों के लाइफ में बहुत बड़ा लॉस सफर कर रहे होते हैं। मेरा काम था, मैंने आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ला के पहुँचा दी है। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं सबकी ज़िंदगी को सेफ रखिए। शुक्रिया।